हिंद जय भारत। मैं फातिमा निखत आपका स्वागत करती हूं BTS न्यूज़ चैनल में। हर पल की खबर आप तक, आइए देखते हैं आज के समाचार। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, जैसे कि आपके पास इस वक्त आज 9 जून को मैं आपके सामने एक इत्तला दे रहा हूं कि रियासती वक्फ की खुली अराजी और मकानात जो पंजा गुट्टा जो है चौराहे के आगे पंजा गुट्टे के पास शिया दर्जे औकाफ आशुरखाना है, उसके साथ मस्जिद है, दरगाह है और पंजा और घुटना यानी कि हज़रत अली का वहां पर पंजा और घुटना वहां पर निशान था, उसी के नाम से तो पंजा गुट्टा नाम रखा गया। तो लिहाजा जो तो वहां की 12,000 गज ज़मीन जो मुख्तलिफ मकानात बने हुए हैं और दीगर वहाँ पर जो तो लोग कुछ लोग जो है तो नीचे जियो नंबर 58 के थ्रू गवर्नमेंट ऑफ तेलंगाना कलेक्टर हैदराबाद से इमारो जो है तो शामी पे से मिल के उसको जो है तो अपने नाम कराने की कोशिश कर रहे हैं, जबकि ये दर्जे औकाफ गजीत के साथ में तकरीबन 12,000 गज ज़मीन पे मकानात बने हुए हैं और आशुरखाना है और वह हर जुमे को नमाज भी होती है। इस सिलसिले में मैं रियासती वक्फ बोर्ड से अपील करता हूँ कि इमीडिएटली जो तो उस आशुरखाने की अराजी मकानात जो है उसको जो तो वक्फ के किराएदार बनाए, ना कि ये लोग जियो 58 के थ्रू सरकारी अराजी जो तो बताते हुए सरकारी ज़मीनात सरकारी मकानात बता रहे, सरासर गलत है। 1989 की गजट में वाजे तौर पर यह है कि ये दर्जे औकाफ शिया औकाफ वक्फ प्रॉपर्टी है। मैं चेयरमैन वक्फ बोर्ड मसीला साहब और जनाब रियाजुल हसन अपंदी MLG साहब, मौलाना डॉक्टर निसार हुसैन हैदर आगा साहब और चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर जनाब ख्वाजा मोइनुद्दीन साहब, इन तमाम से अपील करता हूँ कि इस पंजा गुट्टा वक्फ प्रॉपर्टी की फौरी देखभाल करें, ना कि ये तो अगर ऐसा ना हो कि इसको सरकारी ज़मीन बताकर लोग उसकी ये तो काबिजीन जो भी है तो वो लोग जो तो जियो TX के थ्रू जा रहे हैं वो सरासर गलत है। लिहाजा मैं सैयद हामिद हुसैन जाफरी सदर तेलंगाना शिया यूथ कॉन्फ्रेंस गवर्नमेंट से अपील करता हूँ कि वक्फ प्रॉपर्टी को गवर्नमेंट प्रॉपर्टी ना बताए और वक्फ बोर्ड के हजरात को चाहिए कि इमीडिएटली सर्वे करें और शिया कायदीन जो है जो ज़िम्मेदार है जनाब अफंदी साहब और मौलाना निसार हुसैन साहब, आप लोगों के ऊपर फ़र्ज है कि आप इमीडिएटली 12,000 औकाफी ज़मीन को तहफ़ करें। अभी जो है तो एक और आशुरखाना जो मामटपल्ली में है उसके 400 एकड़ ज़मीन पर सुप्रीम